हेलो, वेलकम माय चैनल। मैं आज एक ब्रेड की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 4 से 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच गर्म मसाला, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और नमक भी ऊपर मिक्स कर देंगे। अब ये आलू का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमें ब्रेड की कटिंग करनी है। ब्रेड की कटिंग हमें साइड से निकालना है इसको। उसके लिए हमें एक चाकू से कट कर देना है ब्रेड का साइड पोर्शन। ब्रेड को चारों साइड से कट कर देना है हमको। ब्रेड के चारों कोने हमने हटा दिए हैं। अभी हम ब्रेड को लेके और उसे थोड़ा पानी में डिप करेंगे और उसके बाद उसे हाथ से अच्छे से निचोड़ लेंगे, मतलब उसका बिल्कुल सूखा देंगे। उसके बाद उसमें हम वही आलू का मिक्सचर भर देंगे और उसको रोल करेंगे। जैसे हम रोटी की पेड़ी बनाते हैं उसी टाइप से हम इसे रोल करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे वो टिक्की टाइप का बन जाएगा। अब हम बाकी भी सारे ऐसे ही रोल बनाकर प्रेस कर देंगे उसे। अब हमने चावल का आटा लिया है और वो रोल उस चावल के आटे में अच्छे से डिप करेंगे और उस पर ऊपर से अच्छे से लगा देंगे। अब हमारी सारी ब्रेड टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने डीप किया है इसमें और सभी ब्रेड टिक्कियों को डीप फ्राई करेंगे और उन्हें अच्छे से भूनेंगे और जब तक इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनमें ब्राउन कलर ना हो जाए। और इसी तरह सारी टिक्कियों को आप डीप फ्राई कर लेंगे। और लो, तैयार है आपकी ब्रेड आलू टिक्की। आप इन्हें सॉस, चटनी, चाय किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी चीज है। प्लीज ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।